लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने घरेलू सारिफीन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने और वफाकी हुकूमत को मुतबादल ज़राए से बिजली पैदा करने की हदायत कर दी। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। सियासत नहीं बल्कि हकीकी आजादी यानी हकीकी जमहूरियत की जंग है, इमरान खान का वीडियो खिताब में पैगाम। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खानेवाल मुल्तान सेक्टर M4 पर कश्मीर भाइयों से यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। मुल्क के माया नाज कॉमेडियन सखावत नाज ने फैमिली थिएटर्स की बहाली के लिए हर शहर में अलग हॉल बनाने की तजवीज दे दी। सखावत नाज कहते हैं, हमारी खवातीन के लिए मौके कम है, उनकी तफरी के लिए महफूज माहौल फराहम करना जरूरी है। SM फूड मेकर्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल की तरफ से निस्तर अस्पताल को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन का तोहफा। खिते के नामवर सनतकार SM फूड मेकर एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल के चेयरमैन चौधरी जुल्फकार अली अंजुम कहते हैं, फ्लाई और फाई सरगर्मियों के फरोग के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नामर सराय की शायर शाकिर शुजाबादी ने हुकूमत की तरफ से मिलने वाला सितारा इम्तियाज दुनिया के मजलूम तबके के नाम करने का ऐलान कर दिया। शाकिर शुजाबादी खित्ते का फख्र है, शुजाबाद की नुमाइंदा शख्सियत के नामवर शायर को खराज तहसीन पेश। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने आवाम के हक में बड़ा फैसला देते हुए बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने घरेलू सारिफीन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म दे दिया और वफाकी हुकूमत को मुतबादल ज़राए से बिजली पैदा करने की हदायत कर दी और कहा कि सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने के लिए हुकूमती इकदाम को मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे जस्टिस अली बाकर नसफी ने अजहर सदीक समेत दीगर शहरियों की दरख्वास्तों पर आज सुनाया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू होगी। इस तहरीक से पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत मिलेगी। अपने वीडियो खिताब के दौरान उन्होंने जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों से नाम मांग लिए
उन्होंने कहा कि अवाम जेल भरो तहरीक के लिए रजाकाराना तौर पर सामने आए। इमरान खान ने कहा कि यह सियासत नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी यानी हकीकी जमहूरियत की जंग है। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। हमने वाज़े पैगाम दिया था कि इनसे मैशियत नहीं संभाली जाएगी। नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस खानेवाल मुल्तान सेक्टर M4 पर कश्मीर भाइयों से यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाही जावेद की हदायत पर सेक्टर कमांडर आतिफ अली चौधरी के हुक्म पर मोटरवे M4 सेक्टर खानेवाल के जेरे तमाम योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस मौके पर सुरका ने मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी। सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी और DSP कमर शहजाद भट्टी ने रैली की क्यादत की। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे अफसरान के अलावा शहरियों ने भी रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे आज़ादी के फलक शगाफ नारे लगाए। सेक्टर कमांडर M4 ने कहा कि भारत ने गयूर कश्मीरी अवाम की बुनियादी हकूक को जोर बंदूक छीना, गैर कानूनी तौर पर तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई। उन्होंने कहा कि भारत के इस गैर कानूनी इकदाम पर कश्मीरी अवाम अब तक सरापा एहतजाज हैं। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर किया गया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। रैली के शुरका का इस मौके पर कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत मुसलसल आग और खून से खेल रहा है। भारत के गैर कानूनी इकदाम की हर सतह पर शदीद मुजम्मत करते हैं। रैली के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन बजाए गए और मजलूम कश्मीरियों की भारत और मोदी सरकार के जंगी जनून से आज़ादी के लिए दुआएं कराई गईं। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी मोटरवे पुलिस अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के लिए 5 फरवरी को भरपूर तरीके से मना रही है। इसमें तमाम मुल्क की तरह, तमाम इदारों की तरह मोटरवे पुलिस भी वॉक कर रही है और हमने इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई है ताकि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अपने मोहब्बत का और यकजहती का इजहार कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। स्टेज के मारूफ कॉमेडियन सखावत नाज ने कहा है कि फैमिली को थिएटर्स पर वापसी लाने के लिए हर शहर में अलग से फैमिली थिएटर्स बनाए जाएं और इन्हें वहाँ महफूज माहौल भी फराहम किया जाए ताकि वो भरपूर अंदाज में तफरी हासिल कर सकें। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक सखावत नाज ने यह बात मक्स न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगु करते हुए कही। अदाकार सखावत नाज का कहना था कि हमारी खवातीन के लिए तफरी के मौके कम हैं, इसलिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए पूरी फैमिली पुरसकून माहौल में बैठ कर ड्रामा देख सकें। उन्होंने कहा कि ड्रामा को वापसी ट्रैक पर लाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ आर्ट्स कौंसल और ज़िले हुकाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हाँ, हमारे जहन में तो बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल हम मतलब कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ये प्रोड्यूसर हजरात है, उनका बनता है, ये कौंसल का जो मतलब सारा अमला है, कौंसल के जो वो अफसरान है वो कर सकते हैं इसको। तो मैं तो चाहता हूँ कि फैमिली के लिए एक अलग सा हाल बने, उसमें फैमिली के लिए ड्रामे हों और फैमिली के लिए उसको एंटरटेन करने के लिए वो ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जब कोई अपने बच्चों को लेकर निकले तो उनको सिक्योरिटी मिले, मतलब वो अपने आप को सिक्योर समझे, तो फिर वो ड्रामा फैमिली के लिए तैयार किया जाए और उनको दिखाया। एक हाल ऐसा बनना चाहिए हर शहर में। तो इंशाल्लाह मेरी अपनी भी कोशिश है और बाकी दोस्तों की भी कोशिश है कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि हमारे जो माएँ बहनें घरों में बैठी हुई उनके लिए एंटरटेन के लिए बाहर कोई जगह ऐसी नहीं है कि वो आगे एंटरटेन हो सकें, खुश हो सकें। इसी तरह अगर ये ड्रामा फैमिली के लिए हो जाए, एक अलग सा हाल बन जाए। मैं ये नहीं कहता ये जो चल रहे हैं इनको ठीक करें, मतलब ये भी ठीक है, इनको भी थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो ये भी ठीक है। तो अलग से अगर बन जाएगा तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नया थिएटर स्टार्ट हो और उस पर लिखा जाए, सिर्फ फैमिली के लिए लिखा ना जाए, उस पर बकायदा अमल हो और कंट्रोल के साथ उसको फैमिली के लिए किया जाए। तो मैं इस हक में हूँ और बहुत दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता निकले कि हम ऐसा कर सकें। अदाकार सखावत नाज ने कहा है कि वो जब भी मुल्तान आते हैं, लियानी मुल्तान ने इन्हें हमेशा मोहब्बत से नवाजा है। अदाकार सखावत नाज का कहना था कि मुल्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिता मुल्तान टैलेंट के हवाले से जरखेज़ है और मुल्तान पर औलिया का साया है। वो जब भी मुल्तान आते हैं तो दिल में कोई ना कोई मुराद लेकर आते हैं और औलिया कराम के मज़ारात पर हाजिरी से रूहानी सुकून के साथ उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। सखावत नाज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्तान काम के हवाले से इनका पसंदीदा शहर है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बड़ी इज्जत मिलती है जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये बड़ी खुशी मिलती है जहाँ पर लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इनकी मोहब्बत ही हमारा सारा कुछ है, हमारी पहचान, हमारी जो इज्जत है, इनका इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। और मुल्तान तो वैसे ही मेरा फेवरेट है,
اس لیے کہ اولیاء کا شہر ہے جی, اور یہاں پر ماشاءاللہ ڈرامہ بھی میں کرنے آتا ہوں اور دعائیں قبول کرانے بھی آتا ہوں اور اپنی مرادیں لینے بھی آتا ہوں, اور مجھے یہاں سے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارا کچھ ملتا ہے, سب ملتا ہے جو میں مانگتا ہوں یہاں سے, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور ملتان کی آڈینس کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں آتا ہوں مجھ سے بہت محبت کرتے پیار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ملتان, زندہ باد. ایس ایم فوڈ میکرز اینڈ وولکا فوڈز انٹرنیشنل کی جانب سے نسر ہسپتال کے شعبہ ریڈیولوجی کو جدید کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین عطیہ کر دی گئی. ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق اس حوالے سے شعبہ ریڈیولوجی میں افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر نسٹن میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد تھے, جبکہ مہمان اعزاز چیئرمین ایم ایس فوڈز اینڈ وولکا فوڈز چودھری ذوالفقار علی انجم تھے. وائس چانسلر نسٹن میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد, ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد علی خان اور سربراہ شعبہ ریڈیولوجی ڈاکٹر عبدالستار انجم نے جدید ترین الٹرا ساؤنڈ مشین کی فراہمی پر چیئرمین ایس ایم فوڈ میکرز اینڈ وولکا فوڈز انٹرنیشنل چودھری ذوالفقار علی انجم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے دوسروں کے لیے مثال قرار دے دیا. وائس چانسلر اس طرح پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے خطے کے نامور صنعت کار چودھری ذوالفقار علی انجم سے اپیل کی کہ وہ نشتر میں مزید فلاحی کاموں کے لیے اپنا تعاون بڑھائیں تاکہ مریضوں اور ان کے لواحقین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایس ایم فوڈز اینڈ وولکا فوڈز انٹرنیشنل چودھری ذوالفقار علی انجم نے کہا کہ ملکی برآمد کنندگان کی فہرست میں ان کی کمپنی کا 57واں نمبر ہے. ہم اپنی فوڈز کی مصنوعات کو ہائیجین بنا کر یورپ اور امریکہ میں برآمد کر رہے ہیں. خطے کے نامور صنعت کار چودھری ذوالفقار علی انجم کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کے فوڈ آئٹمس کی فراہمی بھی ہمارا طرح امتیاز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. فلاحی اور رفاہی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. چودھری ذوالفقار علی انجم نے کہا کہ ہم صحت کے حوالے سے اسپتالوں میں غریبوں اور مستحقین کے لیے ادویہ فراہم کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ سماجی خدمات کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. دو مرتبہ صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے سرائیکی شاعر شاکر شہزاد آبادی نے اپنے ترجمان بیٹوں نوید شاکر اور ولید شاکر اور اپنے بھائیوں حاجی احسن اور محمد اسلم کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں 2007 میں حکومت پاکستان کی طرف سے جو صدارتی ایوارڈ دیا گیا وہ میں نے والدہ مرحومہ کے نام کیا. ہمارے نمائندے نظر فرید بودلا کے مطابق مکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شاکر شہزاد آبادی نے کہا کہ انہیں 2017 میں جو صدارتی ایوارڈ ملا وہ اپنے والد کے نام کیا, جبکہ مختلف شعبوں سے اور مختلف حکومتوں سے جو گولڈ میڈل ملے وہ میں نے پوری دنیا کے مظلوم طبقے کے نام کیے, اور اب مجھے ستارہ امتیاز جو ملا ہے وہ میری پوری دنیا کی انسانیت کے نام کرتا ہوں. شاکر شہزاد آبادی نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ستارہ امتیاز کے اعلان کی خوشی وہ خصوصی طور پر اپنے خاندان میں اپنے علاقے کے لوگوں اور اپنے بڑے بھائیوں اور پاکستان کے عوام مل کر منا رہے ہیں. خطے کے نامور شاعر شاکر شہزاد آبادی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ مختلف حکومتوں کی طرف سے دیے گئے بڑے قومی اعزازات پر ان کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ادبی خدمات کے اعتراف میں مجھے ان قومی اعزازوں سے نوازا. اس موقع پر شاکر شہزاد آبادی کو صدر مملکت کی طرف سے ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کرنے کی خوشی میں شاکر شہزاد آبادی کے گھر ان کے پرستاروں کا تاندہ بندھا ہوا. علاقہ کی معروف سیاسی شخصیات راؤ انتظار علی کوثر, شوکت خان جویو, میاں ایاز بودلا, ایس ایچ او میاں حماد الحسن بودلا, ایس ایچ او راجہ رام سلیمان منور, حاجی عبداللہ آرائیں, ایم قاسم زاہد, حافظ محمد اکرم میو, رانا جمیل انجم, شہزاد بھٹی, میاں رحمت شاہین بودلا کا مکس نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شاکر شہزاد آبادی ہمارے وسیب, ہمارا ملک کا فخر ہیں. ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز کے لیے منتخب کرنا ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. مزید اپڈیٹس اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اللہ نگہبان.
मचा दे धूम। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM Foods and Volca Foods International. बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। Voice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोल। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.